बॉलीवुड में कई सारी हॉरर फिल्में बनी हैं। हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्में बनाने का दौर आज का नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जो दर्शकों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। भूतिया फिल्मों में दिखाई गई जगहों भी काफ़ी डरावनी होती हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ कोई सपने में भी जाने के बारे में ना सोचे। लेकिन अगर आपको वहाँ कभी जाने का मौका मिलता है तो क्या आप उस जगह जाना चाहोगे? शायद आप उन डरावनी जगहों को कभी एक्सप्लोर करना ना चाहें। तो चलिए आज आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ हॉरर फिल्मों की शूटिंग हुई है। आत्मा, बिपाशा बसु की डरावनी फिल्म आत्मा तो आपको ज़रूर याद होगी। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के ठाकुर कॉलेज के बेसमेंट में हुई थी। कहा जाता है कि जब वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब यूनिट ने यहां किसी औरत को गाते हुए भी सुना था। राज, बिपाशा बसु कई हॉरर फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उनकी फिल्म राज कई मायनों में खास होगी। इस फिल्म की पूरी शूटिंग ऊटी के जंगलों में हुई है। इस दौरान कई डरावनी घटनाएं भी हुई थी। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में उसकी शूटिंग हुई है वो प्रेत बाधित है। रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से अब वो होटल काफी समय से बंद है। हॉन्टेड, ऊटी बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के लिए बेस्ट शूटिंग लोकेशन है, जिस वजह से डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने फिल्म हॉन्टेड की शूटिंग यहां की थी। इस फिल्म में एक हवेली दिखाई गई है जिसमें उसके छिपे हुए राज से पर्दा उठाया गया है। 3 AM, मुंबई की भी कई लोकेशंस हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। उन्हीं में से एक है मुंबई की मोदी मिल। फिल्म 3 AM की शूटिंग इसी पुरानी हो चुकी इमारत में हुई थी। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को तुरंत पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अंत में सिर्फ एक बात, आपसे मिलना जरूरी नहीं, आप सभी का होना जरूरी है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।